लिया है आईफोन, जिससे अपन वीडियो नहीं बना पाएंगे, है ना, अपनी यही क्वालिटी रहेगी। रंजीत साहब और सचिन गायकवाड़ साहब हैं अपने लोको पायलट एंड गार्ड भाई। 75 आज चैलेंज करने की कोशिश करेगा, तो भाई को सपोर्ट करो। आईडी क्या है? आईडी बता। मनोराज। ये जो भाई मैंने आपको दिखाए थे जो ड्रेस में है, ये जितनी भी नई लाइन पे गाड़ियां चलती हैं तो ये बहुत ही सुपर सीनियर है। और अरे बोले सर आपको मैं यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ। अच्छा अच्छा, बोले एक बार पहले भी मैंने आपको पूना में देखा था, तो लंबा समय हो गया और वैकेंसी आई नहीं है, तो आदमी अपने आप को कितना मोटिवेट रखे, कितना पढ़े, ये चीज़ थोड़ा सा डिमोटिवेट करती है। पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, किसी भी तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखना है और पढ़ाई जारी रखनी है दोस्तों। फोटो ले लेंगे। बुरा हाल हो रहा है कि कितने में आए, रात में 2 बजे चला था नहीं ब्लॉग। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग एक लंबे समय के बाद आया, समय लग ही नहीं रहा था, ड्यूटी ऐसे बराबर 16 घंटे में आ रही थी, तो रहन दो फिर। तो आज हमारी संडे को ड्यूटी लगी है, सुबह 7:30 बजे अवेलेबल था और बराबर 7:30 बजे ही कॉल आ गई है। और संडे को जैसे मैं अवेलेबल रहता हूँ, तो आपको पता है मेरा फिक्स एक लिंक है जो कि मेरे को जाना है आस्टी डेमो, उसमें तेल भरवाने, और चार्जर भूल गया हूँ, चार्जर रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे, अभी थोड़ा सा हम लेट, चार्जर रख लेते हैं और सही देखना इसके अंदर देख है? अच्छा, और साई हमारे साथ है, अभी नंगा है, ये नहाएगा। हेलो कर दे, हेलो, ए नंगा, हेलो कर दे, हेलो, नहा लेना। चलो निकलते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी। किधर है रोटी? कुत्तों के लिए रोटी, ये ले। तो रोटी ले ली कुत्तों के लिए, स्कूटी की चाबी, और पढ़ लेना रे बच्चों पार्टी, ये देख लो। और तुम्हारी भाभी के लिए अपन ने लिया है आईफोन, जिससे अपन वीडियो नहीं बना पाएंगे, है ना, अपनी यही क्वालिटी रहेगी। चलो बाय। तो दोस्तों आजकल पैदल जाता नहीं हूँ मैं, अमीर हो गए तो स्कूटी से चलते हैं अपन जल्दी से, क्योंकि गाड़ी आ जाएगी, लोको पायलट साहब वेट करेंगे। तो ये है अपना रेलवे का स्टैंड, स्कूटी खड़ी करने के बाद थोड़ा है अपन भागम भाग, क्योंकि गाड़ी आ रही है बस केवल 10 मिनट के अंदर। मेरे को यहाँ से जाना है कर्नाटक एक्सप्रेस में बैठ के स्पेयर, और नगर जैसा कि आपको पता है कई बार मैं जाता भी हूँ, तो नगर से गाड़ी लेनी है, पूना छोड़नी है, पूना फिर उसका वापस लाना है, नगर छोड़नी है, और कल फिर वापस मैं आ जाऊँगा। तो अभी साइन ऑन का टाइम है, तो आपसे फिर मैं पूना में जाके बात करता हूँ, और आईफोन वगैरह के बारे में और कुछ जो इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में आपसे बात करेंगे। तो 10 घंटे बाद अभी किया है साइन ऑफ, पहुंच गए हैं पूना। रंजीत साहब और सचिन गायकवाड़ साहब हैं अपने लोको पायलट एंड गार्ड। तो 10 घंटे की लगातार लंबी ड्यूटी के बाद आप देख सकते हैं हालत।
मस्त खाएंगे और सो जाएंगे। सुबह 4 बजे फिर गाड़ी लेके जाना है वापस नगर। देखते हैं सीट मिलेगी कि नहीं। अरे आज तो बहुत खाली है। चलिए जगह मिल ही जाएगी। और मेरे नाम का एक भाई और है और ये सोलापुर हेडक्वार्टर है इसका। चलिए तो भाई हो गए हैं मुंह हाथ धो के फ्रेश और अभी टाइम हो रहा है खाने का। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है थोड़ा इसके बारे में भी शेयर कीजिए कोई डाउट। अपना ब्लॉग चल रहा है वैसे नॉर्मल ड्यूटी का नहीं रहे थे। भाई 75 आज चैलेंज करने की कोशिश करेगा तो भाई को सपोर्ट करो। आईडी क्या है तेरी? आईडी बता। मनोज राजवीर। मनोज राजवीर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ठीक है। ठीक है जितने भी भाई तेरे को फॉलो करेंगे बॉडी वगैरह के लिए फॉलो कर लेना भाई को इंस्टाग्राम पे। जल्दी यूट्यूब चैनल बनाएगा है ना ठीक है वहाँ पे भाई को फॉलो कर लेना। भाई सीनियर एक भी है मनोज राजवीर और राजस्थान से है। हाँ जयपुर राजस्थान। और भाई का एक दिन इंटरव्यू लेंगे बताएंगे कैसे कैसे भाई यहाँ तक पहुँचा है ठीक है। और वो भाई जो है वो जितने भी CRS करता है वही करता है यही करता है जितनी भी नई ट्रेन चलती है वही चलाता है वो भाई ये वाला भाई। जाता हूँ सब मैं। और ये देखिए लाइव फोटो P7। अभी खाना खाने के बाद थोड़ा घूमना। काका खाना खा लिया? खाना हो गया क्या? सही है। तो भाई सुबह 10 बजे खाना खाया था घर से जब निकला था और अभी 8 बज गए। मैं खाना खा लिया है और अब थोड़ा सा घूमेंगे और फिर जाके हम सो जाएंगे। ये जो भाई मैंने आपको दिखाए थे जो ड्रेस में है ये जितनी भी नई लाइन पे गाड़ियाँ चलती हैं तो ये बहुत ही सुपर सीनियर है और सभी नई गाड़ियाँ जो भी हैं नॉमिनेटेड रहते हैं ये हमेशा सीनियर LP। और हमारे एक RJ वसवा साहब हैं वो जितने भी गाड़ियों का CRS होता है वो यही चलाते हैं। और भाई तुम्हारी भाभी बहुत दिनों से मतलब 1.5-2 साल से मेरे पीछे पड़ी थी मुझे आईफोन दो। तो मैंने अपने दिल पे पत्थर रखे एक सैलरी उसके नाम कर दी मखा जा तुम भी गया दरखोगे। तो उसको एक आईफोन दिला दिया है। अब मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरा ये फ़ोन ले लो। कैसा लगा मेरा मजाक? पर ये मेरा फ़ोन भी ज़बरदस्त है इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है। और जल्दी मैं GoPro लेके आ जाऊँगा तो फिर क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगी। तो अभी करते थोड़ी सी घुमाई और उसके बाद सो जाएंगे फिर आपसे कल मिलेंगे डॉन में जाते समय कुछ बातें करेंगे। सुबह के 4 बज गए तो लोग पायलट साहब तैयार हो रहे देख रहे होगे उधर लोको पायलट साहब तैयार हो रहे। इधर मैं ऐसा लग रहा था कि 3 बजे उठा देगा पर शर्म रखी थोड़ी सी हमारी 4 बजे जगाया है और 4:30 बजे का बोला है साइन ऑन करने तो कोई खास दिक्कत नहीं है। अभी फटाफट फ्रेश हो लेते हैं नहा धो लेते हैं और निकलते हैं जल्दी से ठीक है। थोड़ा सा नाश्ता पैक कराएंगे बस फिर पहुंच जाएंगे अपने घर वहाँ प्रॉपर खाना खाएंगे। चलिए आइए तैयार होते देख रहे हैं रवि कुमार
4 बजे राइट है। तो हो गए भाई तैयार अपन, ठीक है अभी करेंगे साइन ऑन। साहब भी आ रहे हैं, थोड़ी सी चाय ले लेते हैं जल्दी से चल के। चलिए करके आते पैसे निकल जाएंगे। उधर चल पड़े सर, चल निकल जाएंगे ना। हाँ मेरे को सर बहुत दांत में दर्द। इधर है हमारा रेस्ट रूम और सर हमारे आगे आगे ये है नगर का स्टेशन। तो दोस्तों 4 घंटे में गाड़ी हमारी इधर आ गई है और अभी जाने को गाड़ी नहीं है, आ रही है गाड़ी वो 2 घंटे बाद है झेलम। और आगे दूसरी तरफ ब्लॉक चल रहा है, डबल लाइन का काम है तो लगता है कि लेट हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे फूक मार के साइन ऑफ कर दिया है और खाना खा लिया। अभी इसमें रेस्ट करेंगे और जैसे ही गाड़ी आ जाएगी तो साइन ऑन करके फिर से अपना जाएंगे घर। अभी कुछ बातें मैं बताता हूँ, पहले बैग रख देता हूँ। हाँ तो अब आपसे बात करता हूँ मैं। तो था क्या दोस्तों इसके अंदर कि जैसे ही हमने साइन ऑन किया पूना में तो हमने कल जो गाड़ी खड़ी करी थी उसको धुला के साफ सफाई करके उसकी सारी टेस्टिंग होने के बाद हमें सुबह साइन ऑन करने के लिए बोला गया। और हम उस गाड़ी को चेक करने के बाद जैसे ही प्लेटफॉर्म पे लाते हैं तो उसमें तेल भराना होता है आगे और पीछे। तो तेल भरा है कि नहीं भरा, कितना भरा है, ये ड्यूटी ALP की रहती है, उनको आके रिपोर्ट करना पड़ता है लोको पायलट साहब को कितने इतना तेल भरा है, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे ही जो तेल भरने वाला था वो मेरे पास आया, मैं बैठा था वहाँ पे, तो बोला आप रवि चौहान हैं? मैं कहा हाँ भाई रवि चौहान हूँ, क्या हो गया? अरे बोला सर आपको मैं यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ। अच्छा अच्छा, बोला एक बार पहले भी मैंने आपको पूना में देखा था, तब से सोचा था कि आप मिलेंगे तो बात करूंगा, तो मेरे को भी अभी दिखे तो फिर मैं आया हूँ वहाँ से। तो उनके साथ फ़ोटो नहीं खींच पाए क्योंकि मेरा फ़ोन बंद था, ऑन ड्यूटी हम फ़ोन ऑन नहीं करते, अभी भी ऑफ कर दिया तो ऑन किया है, अदरवाइज़ फिर डोंट में जाके ही करते। तो अच्छा लगता है ऐसे दोस्तों को देख कर, भाइयों को देख कर, और वो भी तैयारी कर रहा है जबकि वो ड्यूटी कर रहा है, साथ साथ में उसमें फ्यूलिंग में टेम्परेरी पे बेस पर लगा हुआ है और बोलता है सर मैं तैयारी भी कर रहा हूँ और आपकी बार जो फॉर्म आएंगे ITI बेस पे ALP की उसको भरूँगा। तो अच्छा लगता है इस तरह से कि हम किसी की मोटिवेशन है। और आप लोग भी तैयारी करें, मन से करें, ठीक है। थोड़ा सा एक डीमोटिवेशन आ जाता है इसलिए मैं भी थोड़ी अलग वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि अभी
लंबा समय हो गया और वैकेंसी आई नहीं है, तो आदमी अपने आप को कितना मोटिवेट रखे, कितना पढ़े, ये चीज़ थोड़ा सा डिमोटिवेट करती है। पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, किसी भी तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखना है और पढ़ाई जारी रखनी है दोस्तों। यही वो समय है, ठीक है, जिसमें सब हार मान जाएंगे और जो हार नहीं मानेंगे वो सफलता को पाएंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है काफ़ी बोल दिया मैंने अभी, तो अभी थोड़ा सा करते हैं आराम और फिर हमारी गाड़ी आ जाएगी तो फिर अपने घर पहुँच जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़िया क्या है, नहीं आई बैठो सर। तो दोस्तों अभी साइन ऑफ हुआ है, देख लेंगे, 16:19 हो गई है, तो करीबन 12 घंटे का अपना ड्यूटी शेड्यूल हो गया है। तो अभी करेंगे थोड़ा सा इंतजार। तो भाई ये था अपना पूरा ड्यूटी का आज का शेड्यूल, कल गए थे और आज अभी आ रहे हैं। करीबन 28-30 घंटे की ड्यूटी हो गई है कल से लेके आज तक, जिसमें रेस्ट सभी मिला के है, केवल ड्यूटी ड्यूटी नहीं है, मतलब घर आने तक का इतना टाइम लगा है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और जल्दी से आ जाइए। चलिए बाय।